जी मैं आप बीफ कोरमा तैयार हो जाएगा। ये गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। ये मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुदासना राजपूत और आप देख रहे हैं तारीख फूड चैनल। अल्लाह ताला के फजल और रहमत से शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं शुरू। आज हम बना रहे जा रहे हैं बीफ कोरमा। ये बिल्कुल सिंपल कोरमा है जो हमारे पाकिस्तानी घरों में बनता आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे आपने डालना है अदरक गोश्त, अदरक पानी में। ये पानी मैंने डाल दिया है। जब पानी डाल के हमने ये आधा किलो गोश्त में 100 ग्राम प्याज डाल देनी है, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अभी हमने सारी चीज़ें डाल के इसमें प्याज डाल दिया, अदरक थूम लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। अभी इसको हमने तेज आंच में पकाना है। जब इसमें उबाल आ जाएगा इसको हमने लो आंच में बिल्कुल आहिस्ता आंच रख के इसको हमने पकाना है। तब तक पकाना है जब तक गोश्त अच्छी तरह गल नहीं जाता है। अच्छा जी, ये इसमें उबाल आ गया है तो अभी हम इसमें मसाले वगैरह भी साथ डाल देते हैं। अभी तो आधा किलो गोश्त में हमें याद रखना है 1 टेबल स्पून जाएगा नमक का और 1 टेबल स्पून जाएगी मिर्च, लाल मिर्च, 1 टी स्पून जाएगी हल्दी। अभी इसको हमने हल्की आँच पर पकाना है। तो जब ये आधा बेक हो जाएगा इसमें टमाटर ऐड करेंगे। हमारा गोश्त जो है तकरीबन हाफ बेक हो चुका है। तो अभी इस कंडीशन में ला के हमने टमाटर ऐड करने हैं। 50 ग्राम हमने टमाटर जाएंगे इसमें। जी टमाटर डालनी है तो अभी इसमें फर्क रहता है, अभी थोड़ा और फूटेगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आगे इसमें जो जरूरी पॉइंट मैं बताता हूँ वो देखना हो जाए। हमारा बीफ कोरमा आखिरी ब्रायल में आ चुका है। ये देखें इसका गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है और पानी भी थोड़ा सा रह गया। अभी इसको हम तड़के में पानी को खुश करेंगे। तो तड़के में क्या क्या जाएगा, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने धनिया डालना है और कुछ मिर्चें डालनी है और 1 टीस्पून आपने डालना है पिसा हुआ गर्म मसाला। इसमें काली मिर्च भी है और ज़ीरा भी है, ठीक है। फैन लुक आप इस मत कीजिएगा, फैन लुक आपने लाजमी देखनी है। आधा कप ऑयल जाएगा तड़के के लिए। ये हमने आधा कप ऑयल डाल दिया है। अभी हम इसको अच्छी तरह इसकी बुनाई करेंगे। अब जितनी इसकी बुनाई अच्छी करेंगे उतना ही हमारा अच्छा मज़ेदार कोरमा बनेगा। ये हम इसकी अच्छी तरह बुनाई कर रहे हैं। अभी देखें हमारी बुनाई अच्छी तरह होगी। इस कंडीशन में आपने लाना है बीफ कोरमे के लिए, इसको बनाने के लिए। ये इस कंडीशन में आ गया। अभी हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी आधा किलो गोश्त में आप तकरीबन 1 लीटर पानी डाल दें, ठीक है ना। हमने पानी ऐड कर दिया है। जब हमने पानी ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसमें उबाल आ जाएगा तो आग को आपने बिल्कुल स्लो रखना है, फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। कोरमा तैयार हो चुका है। तो ये अभी मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाता हूँ। तो ये बहुत ही, ये जी हमारा बीफ कोरमा तैयार हो चुका है। ये मैं अभी डिश आउट करके दिखाता हूँ आपको, उसे नज़र आएगा। तो इसको मैंने पानी डाल के हल्की आँच पर मैंने इसको 15 मिनट पकाया है, बिल्कुल हल्की आँच में। तो अभी ये पानी इसका आधा पानी इसका खुश हो चुका है, आधा पानी इसका रहता है। तो इस कंडीशन में आपने लाना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कोरमा होता है बीफ का। तो ये हम हमारे पाकिस्तानी घरों में भी ऐसे ही बनता है। तो बिस्मिल्लाह। ये जी हमारा बीफ कोरमा तैयार हो जाएगा। ये गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। ये मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ गर्म में। बहुत देखिए आप, ये गोश्त पक चुका है अच्छी तरह। तो इसका टेस्ट भी अच्छा है, मैंने चेक किया है। नमक मिर्च अर्ची इसके बराबर है। तो आप इसी तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी के साथ दीजिए प्राण राजपूत को इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।